दोस्तों कतर में 20 नवंबर से फीफा वर्ल्ड कप की शुरुआत हो चुकी है, पर इस वर्ल्ड कप में फुटबॉल के अलावा एक और भी गेम खेला जा रहा है और वो है गेम ऑफ जियोपॉलिटिक्स। कतर ने 2010 में जब फीफा वर्ल्ड कप को होस्ट करने की बिड जीती थी, तब से लेकर आज तक कतर $300 बिलियन से ज्यादा खर्च कर चुका है। और उसका रीजन ये है कि इस बिड को जीतने के वक्त कतर में फुटबॉल इंफ्रास्ट्रक्चर एडिक्वेट नहीं था। देयर वाज ओनली वन मेजर फुटबॉल स्टेडियम एट दैट टाइम। पर आज कतर ने पानी नहीं बल्कि तेल की तरह पैसों को बहा के 8 स्टेट ऑफ द आर्ट स्टेडियम, नई रोड्स और एयरलाइंस, एयरपोर्ट का एक्सपेंशन और लगभग 1.5 मिलियन विजिटर्स का एकोमोडेशन को अरेंज किया है। लॉस मेकिंग डील में आखिरकार कतर इंटरेस्टेड क्यों था? दोस्तों उसका रीजन है सॉफ्ट पावर। कतर भले ही इस इन्वेस्टमेंट की 10% कॉस्ट भी रिकवर नहीं कर पाएगा, पर कतर 1 बिलियन से ज्यादा लोगों का ध्यान अपनी ओर अगले 1 महीने के लिए आकर्षित करेगा और जितना भव्य ये वर्ल्ड कप होगा उतना ज्यादा इंटेंस इंपैक्ट कतर पूरी दुनिया पर छोड़ पाएगा एज द होस्ट ऑफ वर्ल्ड्स बिगेस्ट गेम।